नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ कुसुम मिश्रा। ये बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की। और पहली खबर फरीदाबाद से। तिगांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर का टिकट कटने के बाद रो रोकर हुआ बुरा हाल। उन्होंने कहा, मेरी राजनीति हत्या हुई है। मैंने 15 साल कांग्रेस के लिए घर घर जाकर मेहनत की। तिगांव विधानसभा में पैसे का हुआ है बड़ा खेल। तिगांव की जनता कांग्रेस को कभी नहीं करेगी माफ। ललित नागर ने फरीदाबाद सेक्टर 12 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भरा नामांकन। कई प्रादेशिक और एक राष्ट्रीय पार्टी का भी ऑफर आया कि आप हमारे टिकट पर आप चुनाव लड़ें, लेकिन हमारे जनता जनार्दन ने फैसला किया नहीं। हम किसी राजनीतिक दल या पार्टी से सिंबल पर चुनाव नहीं लड़े। भाई साहब चुप हो जाओ, पीछे वाले थोड़ा चुप हो जाओ यार। आज हमने अभी आपकी मौजूदगी में और आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से तिगांव विधानसभा 90 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म जमा करके आए हैं। आपसे भी हम बड़ी उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आप हमारे 20 वर्ष के पुराने यार दोस्त साथी हैं। आज हमें भी आपकी मदद जरूरत है। ढाई सौ रुपये में आप भी हमारे कांग्रेस की तरफ से कोई मनाने का आश्वासन नहीं कांग्रेस की तरफ से कोई मनाने का आश्वासन नहीं आया। अब आता भी तो भी हम थोड़ा नीचे करवाएंगे। अच्छा, अगर आप जीतते हैं तो क्या कांग्रेस की तरफ जाएंगे? जिसकी सरकार होगी उसके साथ जाएंगे। इससे मुकाबला मानते भाजपा से